नेक्स्ट ही पेड 5,000 बाय चेक इमीडिएटली और हाथों हाथ उसे 5,000 रुपए तो बैंक से आ गए, चेक से आ गए। तो एंट्री क्या बनती है, बैंक देयर आर टू अकाउंट, वन इज बैंक बैंक पर्सनल अकाउंट रिसीवर डेबिट एंड हु इज द गिवर, रमेश 5,000 और 5,000। अब सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 टू रमेश, सॉरी रमेश अकाउंट डेबिट और टू सेल्स, सेल्स कितना था मिलाकर, एक एंट्री कर रहे हैं अपन दोनों की मिलाकर, सेल्स 8,000, रमेश डेबिट 8,000, क्रेडिट 5,000, तो रिमेनिंग 3,000। चेक कितने का आ गया 5,000, तो रमेश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, टू सेल्स। तो कंपाउंड एंट्री करेंगे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, रमेश अकाउंट डेबिट, टू सेल्स। ओल्ड बुक में एक क्वेश्चन नहीं है प्रदीप, देयर इज नो क्वेश्चन इन ओल्ड बुक, ये पुरानी बुक में नहीं है क्वेश्चन। हाँ बोलो क्या, सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है, और अकाउंटिंग टर्म्स जो मैंने लिखा रखा है। यस, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड एज कैश 10,000, डिलीवरी वैन पर्सनल असेट्स 50,000। अब और कैपिटल लेकर आया, कैपिटल में क्या क्या लेकर आया, कैश भी लाया और डिलीवरी वैन भी लाया, जो उसके घर पे एक पड़ी थी डिलीवरी वैन, यानी कोई ट्रॉला वगैरह, वो लेकर आ गया। तो कौन कौन से अकाउंट है, कैश कम्स इन, कैश इज रियल अकाउंट डेबिट, डिलीवरी वैन ऑल्सो रियल अकाउंट कम्स इन, एंड हु इज द गिवर, प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर इज गिवर देन टू कैपिटल, प्रोप्राइटर गिवर क्रेडिट। क्या कितना कितना अमाउंट है, 10,000 50,000, 10,000 कैश, 50,000 और 60,000 कैश अकाउंट डेबिट, डिलीवरी वैन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश पेड टू अनिल 975, डिस्काउंट रिसीव 25। अब अनिल को पे किया, अनिल इज रिसीवर, अनिल अकाउंट डेबिट, कैश गोज आउट क्रेडिट, एंड वी आर पेइंग लेस अमाउंट, दिस इज डिस्काउंट रिसीव एंड इट्स आवर इनकम, हमारी इनकम है तो क्रेडिट। कितना पे कर रहे हैं 975, कैश गेन कितना हो गया 25, तो टोटल हो गया 1,000, अनिल अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। पेड टू राजू, अब राजू तो रिसीवर है, कैश, कैश गोज आउट एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज पेड बाय बैंक, बैंक इज ऑल्सो गिवर क्रेडिट। राजू अकाउंट डेबिट, राजू रिसीवर, कैश गोज आउट क्रेडिट एंड बैंक इज गिवर, चेक मीन्स बैंक, बैंक इज गिवर। व्हाट इज द अमाउंट, 1,000 कैश, 2,000 चेक, then total received by Raju 3,000। करो पहले यहां पर,
हो गया। नेक्स्ट पेड 4,800 टू मोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। फुल सेटलमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फुल सेटलमेंट? दिस इज बैड डेट और डिस्काउंट? डिस्काउंट। व्हेन देयर इज फुल सेटलमेंट मींस डिस्काउंट। व्हेन इट हैज गिवन बिकम इंसॉल्वेंट मींस देयर इज बैड डेट। इज इट क्लियर? What has given? Paid to Mohan. Mohan is receiver. Mohan account debit. Who cash? Cash goes out. And when we are paying less amount, rupees 200, that is discount, that is because it is our income. To discount. Total amount to be paid 5,000. Uska account settle ho raha 5,000. What is the what cash goes out? ₹4,800. We are paying 200 less, that is gain for the business. और जो ₹200 हम कम पे कर रहे हैं वो हमारे लिए gain. Clear? जल्दी करो. Yes. Next question. Sixth, there is banking transaction. Deposited in bank 30,000. April 1st. Deposited to bank means cash deposited to bank. There are two accounts. One is cash, another is bank. One account is bank, another is cash. Bank personal account, bank is receiver of that amount, bank account debit. And cash goes out. Cash goes out means 30,000 goes to bank. 30,000 bank receiver, cash goes out debit. Next, cash withdrawn from bank, it is just reverse of it. Again, there are two accounts, cash and bank. Cash and bank. This time cash comes in debit. Bank is giver, bank account is personal account. Cash comes in debit, bank is giver, credit, and amount rupees 10,000. Third. Wages paid by check. Always when it has given check, check means bank, because either received by bank or paid by bank. Wages and bank. And bank. Wages are nominal account expense debit. Bank is giver of that amount to bank. What amount we have paid? 7,000. एक बार देखो क्लियर है ना सारा जो कर रहे हैं। नेक्स्ट चेक रिसीव फ्रॉम दीवान 8,500, डिस्काउंट अलाउड 500 एंड चेक सेम डे डिपॉजिटेड टू बैंक। अगर आज ही जमा करा दिया तो रिसीवर कौन है? बैंक।
bank is receiver, bank account debit. We are getting less amount, discount account debit. ये हमारे लिए एचपी है. And who is the giver? Diwan. Diwan is credit. 8,500 bank is receiver, 500 rupees discount and total amount is 9,000. करो पहले यहाँ पर. Have you completed? Okay. Next, as per standing instruction, bank paid telephone bill. अब बैंक ने पे किया अपना टेलीफोन का बिल. टेलीफोन बिल अपने लिए इनकम है क्या एक्सपेंस? एक्सपेंस. टेलीफोन चार्जेज डेबिट. एक्सपेंस डेबिट. एंड हु हैज पेड द अमाउंट? बैंक. बैंक इज गिवर, गिवर ऑफ दैट अमाउंट. एंड बैंक इज पर्सनल अकाउंट. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. हो जाएगा टू बैंक. एंड अमाउंट ऑफ टेलीफोन बिल 1,000. दीवान चेक रिटर्न डिसऑनर. पता है कि क्या होता है ये चेक डिसऑनर होना, बाउंस होना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाउंस ऑफ चेक, डिसऑनर ऑफ चेक? मींस नॉन पेमेंट. यानी किसी का चेक मिला, आपने बैंक में जमा कराया, लेकिन उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे, तो हमारे बैंक ने वापस लौटा दिया. वापस लौटा दिया कि उसके खाते में पैसे नहीं है. इसको कहते हैं बाउंस होना या डिसऑनर. तो जो दीवान के टाइम में एंट्री की उसका जस्ट रिवर्स. देखो अब बैंक गिवर हो गया, दीवान वापस रिसीवर हो गया. जो डिस्काउंट अलाउ किया था उसको वापस डिसअलाउ करना. तो दीवान इज रिसीवर, दीवान अकाउंट डेबिट 9,000. बैंक पहले रिसीवर था, गिवर है टू बैंक 8,500. जो डिस्काउंट पहले अपन ने अलाउ किया था उसको डिसअलाउ करना है. तो डिस्काउंट को वापस क्रेडिट 500. देखो एक बार क्लियर है क्या ये बात?
हाँ भाई हो गया। बैंक चार्जेज डेबिटेड बाय बैंक, बैंक चार्जेज आवर एक्सपेंस। देर आर टू अकाउंट, वन इज बैंक चार्जेज एंड बैंक इज गिवर ऑफ दैट अमाउंट टू बैंक। बैंक चार्जेज अकाउंट डेबिट आवर एक्सपेंस अमाउंट रुपीज 400। बैंक चार्जेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। गुड्स सोल्ड एंड सेल प्रॉफिट डिपॉजिटेड टू बैंक, यानी अभी अपन ने गुड सेल किया, प्रॉफिट का मतलब जो पैसे आए अपन ने हाथों हाथ बैंक में जमा करा। क्या करें, बैंक इज रिसीवर ऑफ दैट अमाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट। सेल्स इज पर्सनल रियल और नॉमिनल, इनकम और एक्सपेंस। टू सेल रुपीज 8,000। बैंक हैज पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, अब बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, इंश्योरेंस प्रीमियम आवर एक्सपेंस। देन insurance premium expense means it should be debited, insurance premium account debit, paid by bank, bank is given to bank, amount rupees 1800. And last, dividend collected, dividend means return on our investment, अगर अपन किसी को लोन देते हैं तो अपन को इंटरेस्ट मिलता है, शेयर से पैसा लगाते हैं तो डिविडेंड मिलता है, एक तरह से इंटरेस्ट ही है वो, और उसका नाम होता है डिविडेंड। नाउ डिविडेंड इज आवर इनकम और एक्सपेंस, इनकम। देर आर टू अकाउंट, बैंक हैज कलेक्टेड मींस बैंक इज रिसीवर, बैंक इज रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डिविडेंड आवर इनकम, इनकम शुड बी क्रेडिट टू डिविडेंड 2,500, 2,500 बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड। करो जल्दी, हो गया। अब देखो यहां तक पहले एक बार कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या आ रही हो, कुछ नहीं समझ में आया हो तो अपनी बात करें। अगली क्लास में और आगे करेंगे अपना एंट्रीज।
अब अगला वाला करेंगे जिसके अंदर गुड्स गिवन चैरिटी, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, अलग तरह के एंट्रीज है, वो एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ओके okay.